हेलो ऑल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम घर में सूखी मछली कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमको लेना है सूखी हुई मछली। इसके साथ में हम लेंगे थोड़ा सा अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और साथ में हम लेंगे हरी मिर्च। अन्य मसालों में हमें लेना है धनिया, हल्दी, नमक, राई और ज़ीरा और इमली। बनाने के लिए हम सबसे पहले गरम पानी में सूखी मछली को धो लेते हैं अच्छे से। फिर हम तेल गरम करते हैं कढ़ाई में और उसमें सबसे पहले हम ऐड करते हैं हरी मिर्च। इसके बाद हम इसमें डालते हैं राई और ज़ीरे का तड़का। फिर हम इसमें ऐड करते हैं बारीक कटी हुई प्याज। प्याज जब हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाए तब मैं इसमें ऐड करती हूँ अदरक और लहसुन, उसे भी मैंने कूट लिया है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसमें ऐड करते हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। इन सब को हम आपस में अच्छे से मिला लेते हैं। यदि आप चाहें तो थोड़े से कलर के लिए इसमें मिला सकते हैं लाल मिर्च। सबको आपस में ऐड करते हैं हम और मसाले को अच्छे से भून लेते हैं जब तक तेल ना छोड़ दें। और उसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी हम ऐड करके अच्छे से इसको मसाले के साथ में भून लेते हैं। इमली को हमने पानी में इस प्रकार से भिंगाया हुआ था। जब इमली थोड़ा सॉफ्ट हो जाए पानी में तो उसको हम मैश कर लेते हैं। और मैश करने के बाद हम छन्नी से इमली का जो पानी है उसे डाल देते हैं इस मसाले के अंदर। खटास बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं इमली का पानी। अब ये देखिए, ये इस प्रकार से हमारी ग्रेवी बन चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसको हम बॉईल आने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे इसमें बॉईल आता है हम इसमें ऐड कर देते हैं मछली को। और इसे हम ढक देते हैं और लो फ्लेम में हम इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से उबलने देते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद ये इस प्रकार से दिखाई देगी। अब ये तैयार है और इसमें अब हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। थोड़ी देर इसे हम फिर से ढक देते हैं और लीजिए, तैयार है सूखी मछली की करी। अब आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ में सर्व कीजिए और इसे एंजॉय कीजिए। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।